माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे भाषण तो नहीं करना है लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं उठाना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि रेलवे मंत्री का काम सबसे बड़ा मुश्किल, एक अनार सौ बीमार, वो एक केक है और उसको पूरे देश में बांटना है और सब्जेक्ट भी ऐसा है जिसमें पैसा बहुत लगता है। जब बजट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के बारे में चर्चा हुई तो उसके लिए पैसे ज़्यादा रखे जा रहे हैं, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हम सोचते थे कि रेलवे में भी उसी पैमाने रेलवे मिनिस्ट्री के पैसे डबल ट्रिपल किए जाएं। हमारी पटड़ियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उन पे स्पीड ज़्यादा करना बड़ा मुश्किल है। हमारे रेल के डिब्बे बहुत पुराने हैं, नए जोड़े जाते हैं लेकिन फिर भी पुराने डिब्बे हैं, मॉडर्न नहीं है, तो इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत। लेकिन ज़्यादा बढ़ाने के बजाय उसमें बजट में ही कटौती की गई, तो उसमें हम मांग करते हैं पूरी सरकार से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, फाइनेंस मिनिस्टर से भी, कि वो आपकी मदद करें। ये सदन की मांग है कि रेलवे मिनिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, चाहे कोई भी तरीका इख्तियार किया जाए, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में पैसा बढ़ाया जा रहा है उसी तरह से रेलवे मिनिस्ट्री में बढ़ाया जाए। दो चार मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं। बैकवर्ड एरियाज, हमारे देश में अब बहुत विस्तार हुआ है एविएशन का, लेकिन बैकवर्ड एरियाज जम्मू कश्मीर से लेकर और उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट तक बहुत सारे एरियाज हैं जहां हवाई जहाज़ नहीं जाता और गाड़ी से जाना इतने दूर असंभव है, तो रेलगाड़ी ही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बैकवर्ड एरियाज हो, नेक्स्ट लाइट एरियाज, इसलिए उनकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सफाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारी आबादी भी एक कारण है कि इतनी सफाई रखना बहुत मुश्किल है। दूसरे देशों के मुकाबले में जहाँ आबादी लोक संख्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ इतनी लोक संख्या है तो लगता है कि कई पब्लिक मीटिंगें हो रही हैं, एक गाड़ी के साथ दूसरी का इंतज़ार कर रहे हैं हर जगह, तो स्वाभाविक है वहाँ सफाई रखना भी कितना बड़ा मुश्किल काम। हम जब रेलवे स्टेशन बनाते हैं तो वहाँ कुछ एकोमोडेशन की भी ज़रूरत, बड़े बड़े हॉल बनाने की भी ज़रूरत, कोई जगह आपको कहीं जगह नहीं, मैनेजर के कमरे में अगर दो तीन लोग बैठ सकें तो बस वही बैठने की जगह है, बाकी आपको अगर रेलगाड़ी दो घंटे, तीन घंटे, एक घंटे चली गई तो आपको कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है, आपको उसी पटड़ी पर बैठना, और पटड़ी अगर शहर से दूर हो गई, रेलवे स्टेशन शहर से दूर है तो मुसीबत। तो मेरे ख्याल में कोई इतने बड़े हॉल नहीं, लेकिन कुछ हॉल बनाने की ज़रूरत है जिसमें टॉयलेट फैसिलिटीज़, उसके साथ उसकी वजह से भी आपकी जो प्लेटफार्म की साफ सफाई हो सकती है, फिर टॉयलेट्स की सफाई, कैबिन्स की, ये भी बहुत ज़रूरी बात। तीसरी बात मैं उठाना चाहता था कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था और ममता बनर्जी जी रेलवे मंत्री थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी एक दफ़ा बैठे बैठे ही
कि आपके पास रेलवे की बहुत जमीन है पूरी कंट्री में और उसमें इंक्रोचमेंट हो रही है, बड़े शहरों में भी छोटे शहरों, और उसको वापस लेना बहुत मुश्किल है, और जो बची है उसका आपके पास कोई इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है। यदि अगर आप इन प्रिंसिपल माने तो हम आइडेंटिफाई करेंगे पूरी कंट्री में कहाँ कहाँ है, तो वहाँ हॉस्पिटल बन सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन सकते हैं उस ज़मीन पर, और वो ज़मीन मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती, रेलवे बना सकती, हॉस्पिटल बड़ा हो छोटा हो हेल्थ मिनिस्ट्री बना सकती है, रेलवे बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती। तो ममता जी ने कहा बहुत अच्छा प्रपोजल है, हमें 6 महीना लगे उसको आइडेंटिफाई कराने में, और ऑफिशियल लेवल पे मीटिंग हो गई, और अल्टीमेटली मिनिस्टर 2 मंत्रियों के बीच में, जैसे 2 कंट्रीज के बीच में, बड़े फैनफेयर के साथ पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बाद हम दोनों पे उस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर दिए कि वो जो आइडेंटिफाई जगहें की थी आपके मंत्रालय में पड़ी हैं, बड़ी जगहें, छोटी जगहें, उससे छोटी जगहें, और उसमें यही तय हुआ कि इस जगहों पे मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज ये बन सकती है, और तीनों लोग बना सकते हैं, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना सकती है वो बनाए, रेलवे मंत्रालय बना सकता है वो बनाए, स्टेट गवर्नमेंट को भी आमंत्रित किया जाए वो बनाए, अल्टीमेटली तो लोगों को फायदा होगा। दुर्भाग्य से हमारे UPA 2 में ज्यादा मंत्री बदल गए रेलवे में, क्योंकि वो 3 मंत्री तो बदल गए TMC से ही, और उसके बाद कुछ कारण से हमारी पार्टी में भी 2 मंत्री बदल गए, तो 5 मंत्रियों में 3.5 साल, क्योंकि पहला 1.5 साल तो हमें बनाने में लगा, तो वो नहीं हो पाया। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हॉस्पिटल्स की आज कितनी कमी, वो आइडेंटिफाइड जगह हैं, और एग्रीमेंट दोनों हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के बीच में हुआ है, ऑफिसर्स को, दोनों मिनिस्ट्रियों के ऑफिसर्स को जानकारी है, अगर उसको बढ़ाएं तो आपको ये ज़मीन भी बच जाएगी और देश के पूरे लोगों को स्वास्थ्य से उनका स्वस्थ रहने के लिए इंतज़ाम हो सकता है। प्राइवेट PPP अब नया सिलसिला है, अब यू कैन ऐड PPP ऑल्सो, तो वो भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा उस पर। अगर और लास्ट में जम्मू कश्मीर के बारे में बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में जितना रेलवे का ट्रैफिक है शायद इतनी छोटी सी स्टेट के लिए और किसी दूसरी स्टेट में हो नहीं सकता, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि माता वैष्णो देवी हमारी स्टेट में जम्मू में है, और उसके चलते लाखों नहीं, अब तो करोड़, जब मैं शायद चीफ मिनिस्टर था तब करोड़ पास हो गया, अब तो बहुत आगे चला गया है, पर्यटक आते हैं, जो पिलग्रम टूरिस्ट हैं आते जाते हैं, और जो दूसरे टूरिज्म के लिए भी आते हैं वो भी जाते हैं, और साधारण जम्मू कश्मीर के लोग भी जाते हैं, और पंजाब के जो नज़दीक के और हिमाचल के नज़दीक के जो लोग हैं वो भी जाते हैं उन्हीं ट्रेनों से। तो इसको और विस्तार करने की, इसकी पटरियां, इसको मॉडर्न, उसको फास्ट ट्रेन लगाने की ज़रूरत होती है। जब यात्राओं का रश होता है तो बहुत मुश्किल से लोगों को जगह मिलती, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, जम्मू और दिल्ली और दिल्ली और कटरा के बीच में किस तरह की आधुनिकीकरण आप कर सकते हैं, उसमें करने की बहुत आवश्यकता है। जहां तक कश्मीर की बात, मुझे खुशी है कि बहुत काम पिछले 10-12 सालों में कश्मीर के अंदर हुआ, और कश्मीर को पूरे देश से रेल के जरिए जोड़ने का जो काम हुआ है, मेरे ख्याल में इस सेंचुरी का एक बहुत अच्छा काम हुआ है जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, जो पर्यटकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और लोकल लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बारामूरा, बनिहाल जितनी भी वैली है उसमें तो ट्रेन चल रही है, कटरा, उधमपुर भी चल रही है,
लेकिन सबसे मुश्किल जो टेरिन है और डिफिकल्ट एरिया है वह है कटड़ा से बानहाल तक ट्रेन बनाना। इसमें आपने बहुत रुचि ली है, मैंने आपको लिखा भी है, और बीच में कुछ काम रुक गया था तो मुझे बहुत खुशी है, धन्यवाद करता हूं मैं, आपने उस गति को बहुत तेज किया है। ये एरिया जो है डिफिकल्ट भी है, लेकिन ये अपने आप में जब तैयार होगा तो पर्यटकों के लिए भी एक पर्यटन का एक नई चीज बन जाएगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज चिनाब के ऊपर इसी बानहाल और बटोत के बीच में बन रहा है, जिसकी ऊंचाई 1127 फुट। अभी तक जो सबसे ऊंचा ब्रिज था विश्व में वो फ्रांस में था, वो इससे शायद 200-400-500 फुट कम है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बनेगा, 1100 से ज़्यादा, 1125 फुट ऊंचाई पे, जिसके लिए पर्यटक, मैं कई दफ़ा हेलीकॉप्टर से उसको देखने जाता था, कहाँ पहुंचा, बीच में काम थोड़ा ढीला हो गया था। अभी हमारे मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, हमारा एरिया एक ही है डिस्ट्रिक्ट, तो इस डिस्ट्रिक्ट में उनको भी उतनी रुचि होगी, हम दोनों को रुचि है, उसको मुकम्मल करने की ज़रूरत है, और पूरे स्टेट के लोगों को, देश के लोगों को रुचि होनी चाहिए। करेंगे बिल्कुल, काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम सब एक, उसमें कोई लड़ाई नहीं, वैसे भी एक, कभी राज की इनको बात नहीं बताना, हम डिस्ट्रिक्ट के एक ही डिस्ट्रिक्ट के। और उसमें इस थोड़े से एरिया में 92 ब्रिजेज हैं और 27 बड़े ब्रिज हैं, और लेंथ 1.3 किलोमीटर है, इतना बड़ा लिम। तो ये मेरी गुजारिश है कि इसको जितना भी जोर दे दें, जल्दी जितना मुकम्मल हो जाएगा, वरना उधर से कश्मीर से बनी, इधर जम्मू कटड़ा तक बन गई तो कोई फायदा नहीं, बीच में तो फिर हमारे विंटर में, हमारे जो इस बीच में जो एरिया नहीं बना है, इसमें हमें दो दफ़ा गड़बड़ हो जाता है, एक तो पूरे विंटर में बर्फ की वजह से और फिर बरसात की वजह से। तो अगर हम माने कि ये जो एरिया छूट गया है, इसमें साल में तो 6 महीने हमें प्रॉब्लम ही रहती है, और 4-4, 5-5, 6-6 दिन वो सड़क खराब रहती है, और विशेष रूप से विंटर और बरसात में हजारों की संख्या में जो पर्यटक हैं या जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके लिए वो, और वो एरिया बड़ा बैरन एरिया है, उसमें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत को महसूस करते सबसे ज़्यादा जल्दी इस पर करना है। एक वैली के अंदर एक एरिया छूट गया, बाकी तकरीबन सब डिस्ट्रिक्ट्स, ये हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको ये कवर करता है, किसी के बीच में जाता है किसी, लेकिन एक एरिया जो हमारा बहुत ज़रूरी है, पीओके के साथ भी लगा हुआ है, वो कुपवाड़ा, कुपवाड़ा वाला एरिया छोटा, और ये ऐसा एरिया नहीं है, ये तो खेतों के बीच में जाने वाला एरिया है, ये जम्मू की तरह डिफिकल्ट टेरिन नहीं है, इसको भी आपको हाथ में लेना होगा। जहाँ तक जम्मू प्राविंस का सवाल है, वहाँ जम्मू से राजौरी पुंछ की बात चल रही है बहुत अरसे, उसमें सर्वे हुई है, उस पर कितना पैसा और उसको काम करें, उसमें काम करने की ज़रूरत है। और एक हमारे और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट की एक जॉइंट मांग है, डोडा डिस्ट्रिक्ट, हम दोनों का होम डिस्ट्रिक्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ये अकेला जम्मू प्रोविंस में फिर अनकनेक्टेड रहेगा जब राजौरी पुंछ जाएगा, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं, उसके लिए सिर्फ टनल का रास्ता है और कोई नहीं होगा, वो चिन्हनी से और डोडा तक अगर टनल निकलेगा तो बहुत अच्छा, वहाँ भी हमें, अगर जम्मू और कश्मीर के बीच में 6 महीने की रोड की प्रॉब्लम है, डोडा और जम्मू के बीच में तो 8 महीने की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं उससे भी आपका ध्यान उस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि उसकी सर्वे कराएं। सर्वे हमारे वक़्त में चिनैनी से और डोडा तक
टनल की हुई है रोड की, तो अगर उसको रेल बना दिया जाए तो मसला ही खत्म होता है, कि रोड बनाने की जरूरत ही नहीं है। और ये 10-12 हमारे दो टनल रेलवे के अभी बहुत अच्छे अच्छे बन गए, 12-13, एक तो चनैनी में और दूसरा बनहाल में, तो उसी एरिया में अगर ये दूसरा 12-13 किलोमीटर का टनल बन जाएगा तो एक रीजन जो है उसका हिमाचल, चंबा वगैरह सब फायदा उठा सकते हैं। तो ये पर्यटकों के लिए भी अच्छा होगा और उस रीजन के लोगों के भी बहुत अच्छी सुविधा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी महिलाओं का बलात्कार कैसे होना चाहिए, ये उसकी एक फिलॉसफी, उसके दस्तावेज हैं। और उसकी तुलना करना कि इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है आपने जाने अनजाने में ISIS को रिस्पेक्टेबिलिटी दी है इस बयान से, जिससे आपको बचना चाहिए था।